अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी नहीं करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा, मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम कर अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले, पढ़ लिख कर पक्का तुझको कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माजी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है, कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, गलत बात है माजी, क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माजी, आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करकर मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गए, अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, ठीक है बेटा? ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर लगता है। आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप प्रसाद जो चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निश्चित संसार, सोचो जरा हमारे भी बसा सकोगे घर परिवार, लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अब वो स्थाई, जब माही जग में न होगी तो तुम जन्म किसे पाओगे, जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे, जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाग जाओगे, जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे, नारी के बिन जब सुना है तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी ये कविता? मजेदार काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हाँ जरा डॉक्टर थी उठाए, ये तो बहुत हमेशा होती है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो, जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरे माजी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए, मीरा को 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करनी होगी, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे, मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी, कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी, क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा, मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम प्रणाम बेटा।